जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर बंसल ने कैलेंडर दिया। सबसे खास बात है कि इसमें हम तारीख भी देख सकते हैं। फिर किसी ने बताया गांडू कैलेंडर में तारीख ही देखा जाता है। फिर हमारी शॉर्ट फिल्म दाल भात चोखा रिलीज हुई, जिसका सारा श्रेय जाता है मेरे दोस्त को, क्योंकि जब ये पढ़ाई में नाटक कर सकता है तो मैं नाटक में पढ़ाई क्यों नहीं। मैंने सारे पड़ाव को मेहनत से पार किया, लेकिन खोदा पहाड़ निकली कुतिया। पहाड़ी कुतिया से ज्यादा दम था पिल्ले में, जिसने कुतिया को सहला के भगा दिया, लेकिन थोड़ी इसकी भी फटी। मोहल्ले की लेडीज सबसे अच्छी, भले ही कचड़ा हो साथ में खा लेती है। क्योंकि मैंने एक बच्चे को टू व्हीलर चलाते देखा, सोचा पैर की ताकत कौन लगाए, तो मैंने फिर से बड़ी गाड़ी को प्रायोरिटी दिया और थ्री व्हीलर में आके बैठ गया। अचानक ध्यान गया कि लाल टोपी वाले पुलिस को देख के गांधी जी मुस्कुरा दिए। पुलिस वाले अंकल उदास होकर बैठ गए। अंग्रेजों को देखा, समझ गए कि बजाने आए हैं। वहाँ अफरा तफरी मच गई। दो लड़के पतली गली पकड़ के निकलने लगे, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई टिपलिंग, कोई बिना हेलमेट। मैं बिना डरे अंग्रेजों का पीछा करने लगा, लेकिन साला दोस्त गरीब निकला। जब भागना रहता है इसकी तेल खत्म। मैंने कहा तुमसे अच्छी तो लड़कियां हैं जो बिना हेलमेट पेलम पेल निकल रहे। मैंने दोस्ती छोड़ा, कैब पकड़ा, पहुंचा पीवीआर। वहां सब खुश थे, ऐसे घूर रहे थे मानो जैसे उनका दामाद मिल गया हो। अब मेरे पेशाब का पारा बढ़ चुका था, मैं धार मारने को परेशान था। एक मैडम आके मुझे क्रेडिट कार्ड समझाने लगी। मैंने बोला हटो नहीं तो यही हो जाएगा। तभी मुझे अलिफ लैला वाली जादुई सीढ़ी दिखी। यही सीढ़ी आपको नीचे से ऊपर भी ले जाएगी और फिर यही सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे भी ले आएगी। लेकिन एक भाई साहब ने बोला किसी को नहीं चढ़ने दूंगा, मुझे भी गर्ल्स वाली शॉप में काम करना है। मैं बोला खड़े रहो नहीं तो धरती के अंदर भेज दूंगा।